नमस्कार, आप देख रहे हैं राजपट टीवी और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करते हैं बड़ी खबरों की ओर। राष्ट्रपति भवन स्थित मुगल गार्डन को अब अमृत उद्यान के नाम से जाना जाएगा। हिंदू जागरण मंच ने उन्नाव में ये आवाज उठाई थी और बदलने की जोरदारी दी थी, जहां आज राष्ट्रपति भवन स्थित मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान कर दिया गया है। कुछ दिन पहले हिंदू जागरण मंच के विमल द्विवेदी के अगुवाई में राष्ट्रपति महोदय को संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन उन्नाव को सौंपा गया था, तो हिंदू जागरण मंच के प्रांतीय मंत्री और प्रभारी विमल द्विवेदी ने इसे गुलामी की निशानी करार दिया था। वहीं एक संप्रभु स्वतंत्र राष्ट्र के स्वाभिमान पर ऐसे निशानियों को चोट पहुंचाने वाला बताया था। मीडिया से इस मुद्दे पर बातचीत में उन्होंने इस मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान करने की खबर हर हर्ष और व्यक्त किया था और साथियों को लड्डू खिलाकर उनका मुंह मीठा करवाया। और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार और राष्ट्रपति महोदय द्रौपदी मुर्मू जी को विशेष तौर पर धन्यवाद किया। आदरणीय मोदी जी व महामहिम राष्ट्रपति महोदया जी को हिंदू जागरण मंच व करोड़ों सनातनी हिंदुओं की ओर से बहुत बहुत आभार, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से हिंदू जागरण मंच द्वारा गत 11 जनवरी को एक मांग उठाई थी कि मुगल गार्डन जो हम लोगों के अगर देखा जाए गुलामी निशानियों को मिटाने को लेकर हिंदू जागरण मंच द्वारा जोरदारी से जो मांग उठाई गई थी, उस मांग को संज्ञान लेते हुए महामहिम राष्ट्रपति जी महोदया जी और माननीय मोदी जी द्वारा मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान किया गया है। इसके लिए हम सब सनातनी उनके सदैव आभारी रहेंगे और हमें पूर्ण सुबह होते ही जुए की फड़ियां सज जाती है और रात तक धड़ल्ले से जुआरी जुए खेलते हैं। जगह जगह पर जुए के अड्डे लगते हैं। जुए की फड़ों पर अपराधियों का जमावड़ा लगता है। खुलेआम यहां पे जुआरी नजर आते हैं और किसी को पुलिस का खौफ नहीं। सूत्रों के अनुसार पुलिस की सेटिंग गेटिंग से जुआरी का अड्डा चलता है। गंगा घाट कोतवाली के जाजमऊ चौकी अंतर्गत डेरा पी पर खेड़ा के पास जुआरियों का बड़ा अड्डा लगा रहता है। जनपद में अपराध और अपराधियों पर निरंतर लगाए जाने और बैंकों के आसपास से टप्पेबाजी जैसी घटनाओं और साथ ही संदिग्ध व्यक्तियों की तलाशी कर उन पर कार्रवाई किए जाने के क्रम में जनपद के थाना क्षेत्र अंतर्गत पड़ने वाले बैंकों और प्रमुख चौराहों पर विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के क्रम में बैंकों के आसपास संदिग्ध व्यक्तियों, बॉर्डर से लगे बैरियर और वाहनों की चेकिंग की जा रही है। ड्यूटी में लगे पुलिस बल को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। ऐसे तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए राजपट टीवी, सबसे पहले भारत।